वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक ग्रीटिंग कार्ड बनाना सिखा रही हूँ जो इस तरह से दिखेगा। और इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है कि एक 23x32 का एक पेपर लिया है और जो 23 वाला साइड है उसमें 10 और 13 पर मैंने निशान लगा लिया है और उसके बीच में एक 10 पर लाइन खींच ली। अब ये लाइन खींचने के बाद इस लाइन के ऊपर मैं अलग अलग निशान लगाऊंगी। तो पहला निशान 3 पे, 6 पे, 13 पे, 16 पे और 22 पे, ये मैंने निशान लगा लिए। अब इस तरह से जो ऊपर का 3 है और नीचे का लास्ट का 22 वाला निशान है, वहाँ से बीच का हिस्सा हम कट कर देंगे। इस तरह से ये निशान हमने कट कर लगा दिया। अब इसको फोल्ड कर लेंगे और जो 13 वाला पार्ट है उसको भी सेंटर से हम फोल्ड कर देंगे और जो साइड वाले हमारे 3, 16, 13, 16 और 22 वाले निशान हैं इनको हम ऊपर नीचे करके फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, तो ये कार्ड की शेप ऐसे बनकर आ जाएगी। अब इसके ऊपर हम डेकोरेशन करेंगे। इसके लिए मैंने एक इसी साइज़ का एक कार्ड, थोड़ा सा छोटा कार्ड बनाया, ये पेपर काट लिया और इसके ऊपर मैं डेको पेज करूँगी इस डॉल से। ये मेरी जो डॉल है, ये नैपकिन जो मेरा है पेपर नैपकिन, ये 3-ply का है। तो ये 3-ply का नैपकिन मैं इस ढंग से भी कट कर सकती हूँ और वैसे कंफर्टेबल, मेरे को कंफर्टेबल रहता है जब मैं 1 layer कट करती हूँ। तो आपको जो भी कंफर्टेबल लगे, कुछ लोग इस तरह से पसंद करते हैं करना और कुछ लोग 1 layer पे करते हैं, क्योंकि 1 layer पे करना मुझे इजी लगता है। कुछ लोग कहते हैं उसमें पेपर फट जाता है, आप जैसे चाहें वैसे करें। मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें 3 layers हैं मेरे। ये इधर से देखिए, 1 layer मैंने हटा रही, 1st layer एंड 2nd layer। तो ये टिश्यू पेपर की नैपकिन की मेरी 2 layers हट गई हैं और जो 3rd प्रिंट वाली है केवल मैं उसको यूज़ करूँगी। तो इसको बड़ी सावधानी से हम पेपर लगा लगा के एक्स्ट्रा वाइट पेपर को कट करेंगे, ये निकाल देंगे धीरे धीरे करके। ये ज़्यादा इजी लगता है करना। इस तरह के से ये अलग हो जाएगा। ये जो मैं ग्रीटिंग कार्ड बना रही हूँ, ये आप किसी भी फंक्शन में, किसी बर्थडे पार्टी में कभी भी बनाकर दे सकते हैं। बनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। अब ये इसके ऊपर मैं मॉड पॉज की हेल्प से इसको चिपकाऊंगी। ये मैंने मॉड पॉज का इसके ऊपर एक लेयर इस रंग से लगाऊंगी इवनली करके। अभी चिपकाने में बस ये ध्यान रखना है कि जब हम प्रेस करेंगे तो अंदर से बाहर की तरफ को करना है, इससे आपके इसमें ज़्यादा बबल नहीं पड़ेंगे और एयर वो नहीं आएगा, बीच में सल नहीं पड़ेंगे। इस ढंग से ये चिपकाने के बाद हमने इसके ऊपर मॉड पॉज का एक दूसरा लेयर अप्लाई कर देंगे। ये 2nd layer हम इसके ऊपर लगाएंगे तो इससे ये बिल्कुल इसकी एजेस वगैरह चिपक जाएंगे। अब मैं इसमें ये कलर लगा रही हूँ और अंदर की तरफ मैं वाइट का शेड रखूँगी और दोनों को मर्ज कर दूँगी। इसमें मैं एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो चॉक पेंट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी पेंट लगा सकते हैं यहाँ पर। दोनों का मिक्सिंग कर देंगे।
इस तरह ये बनकर तैयार हो गया। इसके पीछे मैंने पेपर क्विलिंग की स्ट्रिप्स चिपका दी हैं और ये मैंने एक्स्ट्रा इसी साइज़ के पेपर ले लिए थे और इनके ऊपर पीछे भी मैंने पेपर क्विलिंग की पट्टी चिपका दी हैं। ये मैंने पहले ही केक बनाए थे और इनका लिंक मैं आपको इसमें डाल दूँगी जो मैं पहले डाल चुकी हूँ यूट्यूब पर, ये वाला हाउ टू मेक फोम केक्स। अब ये मैं इसको चिपका दूँगी और यहाँ पर इन पट्टियों को चिपका कर इनके ऊपर केक लगा दूँगी। नीचे बीच में हैप्पी बर्थडे लिख दिया है और सबसे ऊपर मैं बैलून लगा रही हूँ। बैलून में मैंने दो पेपर के बीच में वायर लगाया था और फिर इसको बैलून की शेप में कट कर लिया था। तो ये बैलून के ऊपर आप कुछ डिज़ाइन भी बना सकते हैं या फिर किसी को जिसको आप देना चाहते हैं उसका नाम भी लिख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर मैं एक छोटा सा ये फोम का मैंने कटिंग कर लिया है, ये चिपका रही हूँ फूल, और ये जो हैं यहाँ पर ये मैं चिपका दूँगी। इस तरह से मैंने बैलून चिपका दिए हैं और ये हमारा बनकर ग्रीटिंग कार्ड तैयार हो गया है। आप भी इसको ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।